अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम कलीम आजिज के बारे में जो है पढ़ेंगे, गजल गोई के हवाले से इनकी हालात जिंदगी, और इनके जो है हम देखेंगे गजल गोई के हवाले से जो है हम देखेंगे इनका जो नाम था, असल नाम इनका क्या था। अगर हम बात करेंगे कलीम आजिज की, इनका असल नाम क्या था, कलीम आजिज की जो है अगर हम बात करेंगे इनका असल नाम क्या था, तो क्या था इनका असल नाम, इनका असल नाम क्या था, कलीम आजिज का क्या था असल नाम, कलीम अहमद था। क्या था? कलीम अहमद। कलीम अहमद जो है इनका क्या था असल नाम था, कलीम आजिज का असल नाम कलीम अहमद था। और तखलुस इनका क्या था, और इनका तखलुस क्या था, तो आजिज आजिज जो है इनका तखलुस था। असल नाम था इनका कलीम अहमद, और तखलुस क्या था, आजिज जो है इनका तखलुस था। कलीम आजिज जो है कहाँ पे पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे, इनकी पैदाइश की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इनकी पैदाइश की बात करेंगे, कलीम आजिज जो है कहाँ पे पैदा हुए थे, तो पटना में पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे, पटना के करीब नालंदा जिला के तिलहाड़ा में पैदा हुए थे। पटना के करीब, पटना के करीब नालंदा जिला तिलहाड़ा जिला के कहां पे, जिला के तिलहाड़ा में पैदा हुए थे। कब कब पैदा हुए थे? 1926 ईस्वी में। कलीम आजिज जो है पटना के करीब नालंदा जिला के तिलहाड़ा में पैदा हुए थे। कहां पे पैदा हुए थे? पटना के करीब नालंदा जिला के तिलहाड़ा में पैदा हुए थे, 1926 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे कलीम आजिज के इंतकाल के बारे में, इनके इंतकाल के बारे में हम बात करेंगे, इनका जो इंतकाल हुआ था कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो 2015 में जो है इनका इंतकाल हुआ था। कब हुआ था? 2015 को हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ पे, हजारीबाग में हुआ था। वफात जो है इनकी 1926 में जो है पैदा हुए थे, और 2015 में जो है हजारीबाग में जो है इनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे इनके वालिद का क्या नाम था, जो इनके वालिद साहिब थे, वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम जो था इनका क्या था, शेख, शेख किफायत हुसैन, शेख किफायत हुसैन, शेख किफायत हुसैन जो है किनके वालिद का नाम था, तो कलीम आजिज के वालिद का नाम था शेख किफायत हुसैन। और वालिदा का क्या नाम था, और वालिदा का नाम, वालिदा का नाम उम्मतुल फातिमा, क्या था, उम्मतुल फातिमा शहीद था। इनकी जो वालिदा है उनका क्या नाम था, उम्मतुल फातिमा शहीद जो है इनकी वालिदा का नाम था। उसके बाद हम इनकी इब्तदाई तालीम की बात करेंगे, उनकी इन्होंने जो है कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की थी, इस बारे में जो है बात करेंगे। कलीम आजिज जो है, कलीम आजिज जो है, कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम, इब्तदाई तालीम, कलीम आजिज जो है इन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज जो है, इब्तदाई तालीम का जो है आगाज 1932 1932 ईस्वी में अपने नाना, जिनका क्या नाम था, मौलवी सैयद जमीर, मौलवी सैयद जमीर
मौलवी सैयद जमीरुद्दीन, उनका क्या नाम था? मौलवी सैयद जमीर के मकतब से किया था। कहाँ से जो है इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज किया था? तो कलीम आजिज जो है इन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज जो है 1932 ईस्वी में जो है अपने नाना, जिनका क्या नाम था, इनके नाना का नाम था मौलवी सैयद जमीरुद्दीन के मकतब से किया था। उसके बाद हम बात करेंगे कलीम आजिज जो है, कलीम आजिज ने मैट्रिक, कलीम आजिज जो है इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में, मैट्रिक के इम्तिहान में 1940, कलीम आजिज जो है इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में 1940 में पूरे बिहार में पांचवी पोजीशन हासिल की थी। कलीम आज जो है मैट्रिक के इम्तिहान में जो है 1940 में जो है पूरे बिहार में जो है पांचवी पोजीशन जो है हासिल की थी मैट्रिक के इम्तिहान में। उसके बाद हम बात करेंगे कलीम आजिज जो है, कलीम आजिज जो है इन्होंने बीए, कलीम आजिज जो है इन्होंने बीए ऑनर्स उर्दू कलीम आजिज जो है इन्होंने बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी, कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी, कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में 1956 में जो है अव्वल मुकाम क्या किया था? अव्वल मुकाम हासिल किया था। कलीम आजिज ने जो है बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में जो है 1956 में जो है अव्वल मुकाम जो है हासिल कर लिया था। क्या किया था? अव्वल हासिल जो है मुका जो है क्या किया था? हासिल कर लिया था। उसके बाद जो है कलीम आजिज ने जो है एमए उर्दू में 1958 कब 1958 में पटना यूनिवर्सिटी में ही, पटना यूनिवर्सिटी से जहाँ से इन्होंने जो है बीए किया था, बीए की डिग्री हासिल की थी, वहीं से जो है इन्होंने जो है एमए की डिग्री भी जो है हासिल की थी पटना यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे भी जो है अव्वल मुकाम हासिल किया था, अव्वल मुकाम यहाँ पे भी हासिल किया था। एमए में भी और बीए में भी जो है इन्होंने अव्वल मुकाम हासिल किया था पटना यूनिवर्सिटी से। कलीम आजिज जो है इन्होंने बीए और एमए जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया था, पटना यूनिवर्सिटी से जो है किया था, और अव्वल मुकाम जो है हासिल किया था बीए ऑनर्स उर्दू में, और जो है एमए जो है उर्दू में जो है इन्होंने क्या किया था? अव्वल मुकाम हासिल किया था पटना यूनिवर्सिटी से। और फिर जो है इन्हें कुछ जो है गोल्ड मेडल से, इन्हें जो है गोल्ड मेडल और जो है तलाई तमगे से जो है सरफराज किया गया, यानी कुछ मेडल जो है गोल्ड मेडल से जो है इन्हें नवाजा गया। फिर अव्वल मुकाम हासिल करने के बाद जो है इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम बात करेंगे आगे
उसके बाद जो है अगर हम आगे बात करेंगे, कलीम आजिज जो है पटना यूनिवर्सिटी में कलीम आजिज जो है पटना यूनिवर्सिटी में बहसती लेक्चरार जहाँ से जो है इन्होंने तालीम हासिल की थी, बीए और एमए की जो है डिग्री हासिल की थी, वहीं पर जो है ये कलीम आजिज उसी यूनिवर्सिटी में यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में जो है बहसत लेक्चरार भी जो है मुकर्रर हुए 1965 ईस्वी में। मुकर्रर हुए थे जहां से जो है खुद पढ़े थे वहीं पे जो है बहसत लेक्चरार भी जो है मुकर्रर हुए थे 1965 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करेंगे कलीम आजिज ने पहली बार मुशायरा में शिरकत की और गजल 1949 शिरकत करके जो है गजल 1949 में पटना में पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी? पटना में, पटना यूनिवर्सिटी में। कलीम आजिज जो है इन्होंने पहली बार मुशायरे में शिरकत करके इन्होंने जो है पहली बार शिरकत की थी मुशायरे में और यहाँ पे जो है गजल 1949 में पटना में पढ़ी थी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है। और कलीम आजिज की शायरी में जो है मीर की तरह यानी कि मीर की तरह इनकी शायरी में भी जो है कनूतियत जो है नजर आती थी, मायूसी नजर आती थी। और यहाँ पे भी जो है क्या नजर आती है? मायूसी जो है नजर आती है, मायूसी गालिब है कलीम आजिज की शायरी में भी। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे इनके कारनामे, कलीम आजिज के कारनामे देखेंगे। इसके बाद हम कलीम आजिज के जो है कारनामे देखेंगे। कलीम आजिज के कारनामे, कलीम आजिज के कारनामे देखेंगे। क्या देखेंगे? कलीम आजिज के कारनामे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ ये क्या है? पहला मजमुआ है गजलमा खुद नविश्ते। वो जो पहले जो है शायरी का सबब हुआ बहुत ही अहम है एग्जाम के हवाले से। और उसके बाद हम बात करेंगे जहां खुशबू ही खुशबू क्या है? खुद नविश्ते है। जहां खुशबू ही खुशबू ये क्या है? खुद नविश्ते है। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी और एक खुद नविश्ते का नाम है अभी सुन लो मुझसे, बहुत ही अहम है
अभी सुन लो मुझसे, अहम है एग्जाम के हवाले से। ये क्या है? खुद नविश्त है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। अभी सुन लो मुझसे, अहम है एग्जाम के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर ऐसा नजारा, फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, फिर जो है ऐसा नजारा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है वो जो शायरी का सबब हुआ, जहां खुशबू ही खुशबू क्या है, खुद नविश्त है। उसके बाद जो है भी सुन लो मुझसे, ये भी जो है खुद नविश्त है, एग्जाम के हवाले से ये भी अहम है। और जो है फिर ऐसा नजारा नहीं होगा। और उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे, और अगर हम इनके कारनामे देखेंगे, पहलू ना दुखेगा, पहलू ना दुखेगा। ये क्या है? पहलू ना दुखेगा खतूत का मजमुआ है। क्या है? खतूत का मजमुआ, याद रखेंगे आप। क्या है? खतूत का मजमुआ है। पहलू ना दुखेगा जो है क्या है? खतूत का मजमुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। बिहार में जो है उर्दू शायरी का इर्तिका, ये क्या है? पीएचडी का मकाला। पीएचडी का क्या है? मकाला है। किस नाम से? बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। ये जो है दफ्तरे गम गुश्ता। बिहार में जो है उर्दू शायरी का इर्तिका, ये क्या है? कलीम आज जो है इनकी पीएचडी का मकाला है बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे दीवाने दो क्या है? खुदूत का मजमुआ है। क्या है? खुदूत का मजमुआ है। ये भी आप याद रखेंगे। दीवाने दो क्या है? खुदूत का मजमुआ है। उसके बाद हम आगे देखेंगे मेरी जुबान मेरा कलम। ये क्या है? मेरी जुबान मेरा कलम, मेरी जुबान मेरा कलम जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? दो हिस्सों पर। मेरी जुबान मेरा कलम। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कोचे जाने जाना। ये क्या है? नज्मों का मजमुआ। ये थे इनके कारनामे। हमने जो यहाँ पे कुछ अहम जो है इनके कारनामे हैं उन पे बात की है। कलीम आजिज़, यहाँ पे ख़त्म होते हैं।